झरिया विधानसभा क्षेत्र के जयरामपुर कोलर स्थित बूढ़ा बाबा मंदिर के प्रांगण में हर साल की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से 9 दिवसीय रामचरितमानस यज्ञ किया जा रहा है। प्रतिदिन संध्या शाम को प्रवचन कथा का भी आयोजन किया हो रहा है। वहीं आज झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने बूढ़ा बाबा मंदिर पहुंची और बूढ़ा बाबा एवं भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक कर मंदिर की परिक्रमा कर कि वहीं कमेटी मेंबरों ने उन्हें गमछा एवं प्रसाद देकर सम्मानित किया। वहीं तमाम लोगों ने कहा कि जयरामपुर के लोग सुरक्षित हैं और ऐसे आउटसोर्सिंग से घबराने की जरूरत नहीं। अगर विस्थापन हुआ तो यहां के लोगों को झरिया विधानसभा में ही सुरक्षित जगह पर बसाने का काम करेंगे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वहीं कमेटी मेंबरों ने आसपास के तमाम लोगों से आग्रह किया कि संध्या 7 बजे से प्रवचन किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर प्रवचन का लाभ उठाएं, क्योंकि दूर दूर से आए हुए आचार्य के द्वारा प्रवचन किया जा रहा है। मैडम क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर हर साल की भांति रामचरितमानस यज्ञ हो रहा है। यहाँ पे जो है रामचरितमानस के पाठ में हर साल आप आती थी, लेकिन विगत जो है 2 वर्षों से यहाँ आना नहीं हो पा रहा था, किसी ना किसी कारण, कुछ अपने कारण थे। और जब आप इस पद पर आ जाते हैं तो कुछ और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। रांची आना जाना बहुत होता है, कई सारी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, इसमें कहीं ना कहीं रह गया। लेकिन 2 वर्षों बाद यहाँ ही विशेष करके इसलिए आई क्योंकि जयरामपुर को लेके विशेष करके ध्यान इस तरह दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ एक आउटसोर्सिंग परियोजना चल रही है जिसका काम ही है लोगों को यहाँ तंग करना। तो ये कारण भी है कि एक बार आके स्वयं देख के जाएं, किसी के कहे पे विश्वास ना करें। और बाकी बाबा यहाँ बुला लेते हैं तो हम आ जाते हैं और लोगों से यहाँ मिलना हो जाता है, कुछ समस्याएं कुछ ऐसे समाधान। और विशेष करके तो मैं देखने आए कि क्योंकि कभी पुल तोड़ देते हैं, कभी कोई कार्य कर देते हैं, तो ये समस्या भी मैं देखने आई थी। क्योंकि हमारी जीएम के यहाँ मीटिंग भी हुई जयरामपुर को लेकर कि भाई आप जब काम यहाँ शुरू करेंगे तो आप कितने बिंदु हमने आपको दिए थे करने के लिए, उस पर क्या क्या किया है। तो एक सिर्फ कार्यक्रम में आना नहीं हो पाता, उससे क्षेत्र की एक जानकारी भी हमको प्रस्तुत मिली। यहाँ के लोग क्या समझे विस्थापन को लेकर? देखिए अभी तो कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा, और जिसका होगा उसका सम्मान विस्थापन होगा और ऐसी ही जगह होगा कि वो झरिया में ही रहेगा। जी जी।